आरआरटीएस का स्टेशन कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है। इसका पूरा डिजाइन देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर ये फूड कोर्ट बना। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था कि गाज़ियाबाद आरआरटीएस और गुलडर आरआरटीएस एंड दोहाई आरआरटीएस के स्टेशन देखा था, उसके कंपेयर में आज मैं आप सभी को लेकर चलूँगा दोस्तों दोहाई आरआरटीएस स्टेशन से लेकर और मुरादनगर आरआरटीएस का स्टेशन दिखाएँगे। उसके बीच में क्या क्या काम कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ में आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि इस पर मेन बायोडक्ट पर दोस्तों अभी ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, और इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा देने के बाद में खंभे के ऊपर आपको बता दूं तो ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगा दिए जा चुके हैं और वायरिंग का भी काम किया जा रहा है। तो अभी तो यही किया जा रहा है, और आपको मुरादनगर का स्टेशन दिखाते हैं चल के कि उस पर क्या कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या अभी किया जा रहा है इस टाइम पर, वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को आगे चल के दोस्तों। कहीं लगा दिए हैं, जैसे जैसे हम मुरादनगर के पास में पहुँच रहे हैं वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। क्योंकि ऊपर तो ये लाइन देखो, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगा दी है खंभे पे, लेकिन ओवरहेड इक्विपमेंट में अभी नहीं लगाई गई है, तो वो भी जल्दी लग जाएगी, काम चल ही रहा है अभी। यहाँ एनसीआरटीसी की टीम लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि जो इस साइड में जो कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों वो है एलएनटी, तो एलएनटी ही काम तो कर रही है दोस्तों। देख सकते हो ये ओवरहेड वायरिंग का काम किया जा रहा है, लगा दिए जा चुके हैं, वायरिंग का काम किया जाना है। और जो ये लाइन है पूरी यार दोस्तों, ये है, ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों। 82 किलोमीटर के रूट में था दोस्तों, ये 12 किलोमीटर का तो पार्ट इसमें अंडरग्राउंड होने वाला है, और 70 किलोमीटर का जो रूट है दोस्तों वो एलिवेटेड है। अब इसमें तो 6 किलोमीटर का पार्ट तो दोस्तों आनंद विहार में है, और 6 किलोमीटर का ही रूट दोस्तों ये मेरठ सिटी के अंदर है गए। Thank you.
दोस्तों ये आ चुके हैं मुरादनगर RRTF के स्टेशन पर। देख सकते हो इस पर अभी जो ऊपर का रूफ टॉप का काम है वो किया जा रहा है। उस पर अभी ये जो रूफ टॉप के खंभे हैं वो काम किया जा रहा है। देख सकते हो ये अभी रूफ टॉप बनाने का काम किया जा रहा है साइड का, ये देख सकते हैं। और नीचे की जो अंदर का हिस्सा है दोस्तों यानी कि कॉन्क्रीट लेवल, उस पर अभी काम किया जा रहा है डेंट पेंट का। और उधर का देख सकते हो कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। ये देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है और इस साइड में भी बना दिया है इन्होंने। देखो ये रहा, यही साइड में रोक लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देखो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देखो। तो चलो मैं आप लोगों को अंदर चल के दिखाता हूँ कि इधर क्या क्या वर्क किया जा रहा है। अभी जो टीम लगी हुई है वो क्या क्या वर्क है, देखो ये जो पिलर है एंट्री एग्जिट पॉइंट के वो भरे जा रहे हैं, सेटिंग लगी हुई है। देखो ये सेटिंग लगा रहे हैं, फिर इसके अंदर ये कंक्रीट भर दिया जाएगा, पिलर खड़ा करेंगे और खड़ा कर देने के बाद में फिर यहाँ से ये जोड़ दिया जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और ये जो टीन शेड इस पर ऊपर डाला जाएगा उसके खंभे लगाने का काम किया जा रहा है इस मुरादनगर के RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। देखो कुछ इस तरीके से जो मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाया था वो इसका फाउंडेशन का काम ही किया जा रहा था दोस्तों। ये देख सकते हो ये फाउंडेशन का काम ही किया जा रहा था उस टाइम पर। तो अभी करीब 1.5-2 महीने हो चुके हैं ये सारे पिलर बन चुके हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, तो किस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। NCRTC की टीम लगी हुई है दोस्तों, जो यहाँ कंपनी वर्क कर रही है वो है LNT, और NLT ही द्वारा इस एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है, बनाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हो ये दीवारें भी चुन दी है ये, और ये देखो कुछ इस तरीके से ये स्टेशन बनाया गया है जिसमें से देख सकते हो वो एक्सीलेटर भी लग चुके हैं। और अभी स्टेयर पर अभी पत्थर लगाया जाना है तो पत्थर लगाने का ही काम किया जा रहा है, और इस पर दोस्तों पेंट भी किया जा रहा है। ये देख सकते हो उधर का साइड बन चुका है, वो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो कुछ ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है यहाँ का, ये देख सकते हैं मुरादनगर RRTS का स्टेशन जो बनाया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो कि किस तरीके से ये बना रहे हैं इसको। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। और उधर भी देखो, उधर तो उन्होंने जोड़ दिया है, मतलब जो इसका वॉकवे है स्टेशन से जोड़ने का काम उधर कर दिया जा चुका है। वो मतलब कि वो तो भाई साहब 70% उस पर काम बन चुका है, मतलब काम हो चुका है कंप्लीट। तो कुछ ऐसा स्टेशन है देख सकते हो यार दोस्तों, ये मुरादनगर RRTS का स्टेशन बना रहे हैं। और इस पर जो टीन शेड डाल रहे हैं वो कुछ और ही तरीके से डाल रहे हैं, जो दुहाई गाजियाबाद और आपका ये साहिबाबाद गुलडहर इनका कुछ अलग शेड है और इसका कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। कुछ यही स्टेशन है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। चलो मैं उधर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ आप सभी को। तो इधर से चलते हैं, इधर से चलने में तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी देख सकते हो कि इसके जो पिलर हैं वो पिलर ही बनाए जा रहे हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट के दोस्तों, मुरादनगर के मुरादनगर में दोस्तों। देख सकते हो ये है, देखो इसकी ये फाउंडेशन का काम किया जा रहा है जिसमें सरियाओं का जाल बना दिया है। ये दीवारें अब बनाई जाएंगी, देखो सरियाएँ लगा रहे हैं किस तरीके से ये लगा रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये सरियाँ लगाई जाती हैं, इस तरीके से फाउंडेशन बनाया जाता है इस एंट्री एग्जिट पॉइंट का दोस्तों। देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, अब आप लोग देखो कि किस तरीके से यह निर्माण किया जा रहा है दोस्तों मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर। वो टीन शेड बनाने का ही काम चल रहा है, देखो ये खंभे लगा रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये अंदर पत्थर भी लगाया जा रहा है, और वो एक्सीलेटर लगा दिया, और एक्सीलेटर लग जाने के बाद में फिर जो स्टेयर हैं उन पर पत्थर लगाया जाएगा दोस्तों। तो अभी तो काफ़ी सारा काम है करने के लिए और टाइम भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि फाउंडेशन ये बना दिया, पहले उधर का फाउंडेशन बना था वो तो इन्होंने कंक्रीट की मदद से चिन दिया है ऊपर भी, और देखो पत्थर भी लगा दिया है। अब ये वाले बनाए जा रहे हैं वो वाले पिलर, देख सकते हो, फिर इस पर कंक्रीट कर दी जाएगी, उससे जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। तो यही नज़ारा है, और आप लोग बताओ
कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और चलते हैं आगे, दिखाएंगे चल के आप सभी को दोस्तों। तो आप बताना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो एंजॉय कीजिए आप सभी।